गर्मा गर्म पेशाब में डूबे हुए अंडे, त्योहारों में कुत्तों का मांस खाने की प्रथा, बच्चे पैदा करने के लिए सरकार से लेना पड़ता है परमिशन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों ये चीन है, यहाँ पर लोगों को जो मिल जाए ये लोग कुछ भी खा जाते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे नियम और कानून हैं जो आपके होश उड़ा देंगे, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए आज आपको चीन से जुड़ी कुछ ऐसी खतरनाक बातों के बारे में बताते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। दुनिया भर के नॉर्मल इंसान अंडों को पानी में उबाल कर खाते हैं, लेकिन चीन के लोग बड़े ही अजीबोगरीब हैं। इन लोगों को पानी में अंडे उबालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाइना के गली मोहल्लों में आपको ऐसी कई दुकानें मिल जाएंगी जहां पर वर्जिन लड़कों के पेशाब में डूबे अंडे उबाले जाते हैं। No, God, please. जी, पेशाब में स्कूल में कंटेनर रखे जाते हैं जहां पर छोटी उम्र के लड़के पेशाब करते हैं, फिर इस पेशाब को ये लोग खरीदते हैं पैसे देकर और इसमें अंडे उबाल कर बेचते हैं। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि भला ऐसे अंडे कौन खाता है। असल में दोस्तों इन लोगों का ये मानना है, चीनी लोगों का ये मानना है कि वर्जिन लड़कों के पेशाब में उबले हुए अंडे खाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उत्तेजना बढ़ती है। उत्तेजना बढ़ाने के लिए ये लोग सांप का भी गूदा खा जाते हैं, कुछ भी चीज खा जाते हैं, अंडे पेशाब में उबाले खा जाते हैं, फिर भी उत्तेजना बढ़ती नहीं लगती इनकी। पता नहीं क्या है, ये इतने उत्तेजित हो चुके हैं कि दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी देश में है, चीन में। भैया ऐसे उल जुलूल काम करोगे तो और पता नहीं कितना बड़ा एक्सप्लोजन करोगे जनसंख्या का, और पता नहीं क्या बोले अब इनको, कुछ कहा नहीं जा सकता भैया। इनका कब क्या कर जाए, कुछ पता नहीं कैसी कैसी टेक्निक्स इनके पास पर थी। पेशाब में कौन अंडा डाल के उबाल के खाता है भाई, और खाने की बात तो छोड़ो, इससे उत्तेजना बढ़ती है। और वाकई में उत्तेजना बढ़ा बढ़ा के ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो जनसंख्या विस्फोट। अब भाई भारत में रहकर आपने होली दिवाली ईद जैसे बड़े बड़े त्योहार जोर शोर से मनाए होंगे, लेकिन अगर आप गलती से चाइना पहुंच गए, गलती से पहुंच गए तो वहां पर आपको एक ऐसा त्योहार देखने को मिलेगा जिसे देखकर आपके पसीने और पता नहीं क्या क्या छूट जाएंगे, सीधे छूटेंगे बता रहे आपको। हर साल यहाँ पर यूलिन फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ पर ढेर सारी दुकानें लगती है। इन खूबसूरत दुकानों में आपको मरे हुए कुत्ते लटकते हुए दिखाई देंगे, मरे हुए कुत्ते। जी हाँ दोस्तों, चीन के लोगों का एक ऐसा त्योहार है जहां पर कुत्तों के मांस खाने की प्रथा है, कुछ भी खा लो। बेचारे ये जो बेचारे निरीह कुत्ते हैं उनको भी नहीं छोड़ते, उसको भी खा जाते हैं। बताओ, इनकी प्राचीन मान्यता के अनुसार कुत्तों का मांस खाने से सुख समृद्धि आती है। बाप रे सुख समृद्धि, क्या बोले इनको। यानी कि इन लोगों ने अब अपने खाने पीने के शौक को त्योहार का नाम दे दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इनकी अजीब और गरीब दास्तान खत्म नहीं होती, बल्कि चीन का एक ऐसा भी सच है जो हर किसी को हैरान कर देता है। अब इतना तो आप जानते ही होंगे कि अगर भारत में रहकर कोई क्राइम करता है उसे अदालत के द्वारा सजा दी जाती है, लेकिन चीन में अगर आपकी जेब में अच्छा खासा पैसा है तो आप क्राइम करके बच भी सकते हैं। सुन लीजिए अच्छे से। जी हाँ, यहाँ के अमीर लोग जब क्राइम करते हैं तो उस क्राइम को खरीदने के लिए गरीबों की लाइन लगती रहती है। यानी कि यहाँ के गरीब लोग उस जुर्म को कबूल कर लेते हैं अमीर लोगों की बनिस्पत जो किसी अमीर ने किया था। इसके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है, मतलब हम क्राइम करें सजा तुम काट लो, पैसा ले लो थोड़ा बहुत। कुछ सालों तक उस क्राइम की सजा काटने के बाद ये बाहर आ जाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अब आप ही बताइए क्या भारत में रहकर आप ऐसा कर सकते हैं? भैया ये माल्या गलत देश तो नहीं चला गया, मतलब ऐसा लगता नहीं आपको? इसे चीन जाना चाहिए था, वहाँ पैसे वैसे दे के किसी और को सजा कटवा देता और घूमता आराम से जो पेशाब में जो अंडे उबाल के जो बेचते हैं उसको खाते हुए अपनी उत्तेजना बढ़ाते हुए। ऐसा लगता नहीं आपको? करना चाहिए था माल्या को। खैर, माल्या को जानकारी कम थी, अब आपको ज्यादा हो गई है, चीन जाने की गलती मत कीजिएगा। अभी आगे सुनिए। इसी तरह अगर आपकी शादी हो गई है तो जाहिर है कुछ सालों के बाद या कुछ महीने बाद आपके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान तो जरूर आएगा, लेकिन अगर आप चाइना में रहते हैं तो आप अपनी मर्जी से बच्चों को पैदा नहीं कर सकते। हो गया तो सोच लो भैया, मर्जी से नहीं करना, मतलब प्रोटेक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो रुक जाओ रात सवेरे लगाना लाइन दवाई दुकान के सामने। सुन रहे हो आप गौर से? आगे सुनो। बच्चे को पैदा करने से पहले आपको वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं। मतलब सरकार को बता दो कि आज हमारे दरवाजे मत पहुँचना, वहाँ पर आवाजें आएंगी, बेड हिलेगा, सब कुछ होगा। सुन रहे हो आप गौर से? मतलब सरकार को पहले इन्फॉर्म कर दो हम आज कुछ करने वाले हैं, आज करने वाले हैं, कल करना। टाइम लगता है भाई, ऐसा थोड़ी कि एक बार की और आ गया बच्चा, टाइम लगता है, महीने लगते हैं, हफ्ते लगते हैं। तो तब तक आप सरकार जो है आइए मत हमारे बेडरूम के आसपास, ऐसा मतलब क्या बोले अब इनको, कैसे परमिशन लेंगे सरकार से? चीनी भैया क्या बोले अब इनका। उसके बाद आप बिना परमिशन के बच्चा पैदा नहीं कर देते, अगर कर दिया आपने गलती से। सुन लीजिए अच्छे से, सुनिए इस बात को अच्छे से, गौर से सुनिए भैया, चीन की बात बता रहे हैं आपको, कि आप पहले पहुंचेंगे उनके पास और कहेंगे कि हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं, कृपया करके हमें परमिशन दीजिए। अगर सरकार ने परमिशन दे दी तब सरकार एक फैमिली सर्टिफिकेट इशू करता है, इसके बाद ही आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये फैमिली सर्टिफिकेट नहीं है
और आपने बिना परमिशन के बच्चा पैदा कर दिया, तो आप इतना जान लीजिए कि आपके घर में आने वाला नन्हा मुन्ना मेहमान चीनी सरकार की नजर से, उनकी नजर में इल्लीगल माना जाएगा, उसे वहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी। ओहो, हमारे भारत में जो फिल्मों में दिखाया जाता है नाजायज संतान वाली बात जो बताई जाती है, तो ऐसा अगर वहाँ चीन में हो गया तो सोचिए क्या होगा, सबकी नागरिकता ही छीन जाएगी पूरी। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि क्या आप हर रोज एक ही टीवी चैनल देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं करते होंगे ना, लेकिन चाइना में चैनल को लेकर भी एक कानून है, गौर से सुनिएगा। शाम के 7 बजते ही चीन के हर टेलीविजन पर सिर्फ एक ही चैनल दिखाई देता है जिसका नाम है चाइना सेंट्रल प्रोग्राम। चीन की सरकार हर रोज शाम को 7 बजे सारे टीवी चैनल्स को ये निर्देश देती है कि उन्हें हर रोज शाम को 7 बजे इसी चैनल को चलाना है। असल में ये एक तरह का न्यूज चैनल है जो चीन की सारी खबरें देता है, इसमें वही दिखाया जाता है जो चीन की सरकार चाहती है। अब आप समझ ही सकते हैं कि डेमोक्रेसी और तानाशाही में कितना बड़ा अंतर होता है ना। भारत में आप मन की बात देखते हैं जो अंदर एकदम अंतर मन से आती है रोज, मतलब जो संडे वनडे जो हमारे होते हैं, जब बच्चे मोगली देखते थे पुराने जमाने में, जब बच्चे डक टेल्स देखते थे उस टाइम में, आजकल मन की बात आता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत ज़्यादा उज्ज्वल होने वाला है मन की बात सुन सुनकर? खैर अभी से हम तानाशाही तो बिल्कुल नहीं कह सकते, हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है। आपको क्या लगता है वैसे, क्या है मतलब, कुछ लगता भी है कि नहीं लगता? खैर ज़्यादा क्लियर मत बोली, नहीं तो कोई आ जाएगा पीछे से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत में बिल्लियों को मारना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर गलती से किसी के हाथों बिल्ली मर जाती है तो उसे सोने की बिल्ली चढ़ानी पड़ती है, ऐसा बोलते हैं, ताकि उसके पाप धुल जाए। पता नहीं कैसे, पर हो बोलते हैं ऐसा होता होगा, पता नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के लोग हर साल 40 लाख बिल्लियां खा जाते हैं। भाई कुत्ते भी खा गए, बिल्ली भी खा गए, टॉम एंड जेरी नहीं रहा इनके पास, जेरी तो खाते ही होंगे पक्का, टॉम तो मतलब गया, बिल्ली गई, कहानी खत्म। 40 लाख बिल्लियां खा जाते हैं, सोचो जरा। अब खाने पीने के मामले में इनका मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। भाई कुत्ते बिल्ली पेशाब में उबले हुए अंडे, बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इनके खाने पीने की वजह से पूरी दुनिया में महामारी फैलती है। हाँ यार ये भी बात सही है एकदम, सार्स, कोविड, नया नया ओमिक्रॉन, ऐसी कई बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका जन्म चाइना से हुआ है और आज ये पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। चमगादड़ चमगादड़ भी खाते हैं, सांप वाप भी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, पेंगुलिन भी खाते हैं, ओहो क्या बोले इनको। सच कहें दोस्तों, ये लोग दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर की मिलिट्री फोर्सेज में आपने स्निफर डॉग्स को देखा होगा, वो डॉग जो सूंघ सूंघ के पता करते हैं कहां वो गिरा, ये ड्रग्स और वेपन्स और वो बारूद बॉम्ब ये सब होता है ना, स्निफर डॉग्स, वो जो पलक झपकते ही ड्रग्स बम का तुरंत पता लगा लेते हैं। लेकिन चीनियों ने इस काम के लिए बत्तख पाल रखे हैं, बत्तख, डक्स, क्या बोलूं मैं इसको। इनका मानना है कि बत्तख की नजरें बहुत तेज होती हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा आक्रामक भी होती हैं। बत्तख आक्रामक होती हैं? अच्छा, अब जाहिर है जब इन लोगों ने सारे कुत्तों को खा लिया है तो इन्हें स्निफर डॉग्स कहाँ से मिलेंगे, सीधी सी बात है, समझ ही सकते हैं आप। इसी तरह जहाँ पूरी दुनिया मोबाइल एडिक्शन को खत्म करने में लगी है, वहीं चीन का नजरिया इन सबसे बिल्कुल अलग है। जब आप चीन जाएंगे तब आपको वहाँ की सड़कों पर एक अलग ट्रैक देखने को मिलेगा जिसमें साफ साफ सेल फोन लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि ये ट्रैक किसके लिए बनाया गया? ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मोबाइल के बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं, ऐसे एडिक्ट जो मोबाइल के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते, ऐसे एडिक्टेड लोगों के लिए ये सड़क बनाई गई है ताकि ये लोग अपना मोबाइल चलाते हुए सड़क पर बिना देखे चुपचाप ऐसे चलते रहे, मतलब टकराने वकराने कोई डर मत रहे, भैया कहीं टकरा मत जाना, मोबाइल देखते रहो, चलते रहो आगे, बेवकूफ बनते रहो, मोबाइल का टेंशन सीख करते रहो, पागल होते रहो, समझ रहे हो, पूरा वर्चुअल दुनिया में सब कुछ कर देंगे लोग, कुछ भी कर लेंगे। अब एक तरफ चीन में जहां गरीब लोग अमीरों के गुनाह को कबूल कर लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को लेकर इनका रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त है। देखा जाए तो दुनिया में हर क्राइम के लिए एक सजा निर्धारित है, लेकिन चीन में छोटे से छोटे जुर्म के लिए लोगों को मौत की सजा दे दी जाती है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर लोगों को हैंग्ड टिल डेथ की सजा सबसे ज्यादा दी जाती है। अब इसमें कितने निर्दोष हैं और कितने नहीं, ये बात तो यही लोग जानते होंगे। तो देखो दोस्तों, अब ये चीन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्या बोले चीन का। तो इस वाले वीडियो में हम सोच रहे हैं कि आप सबसे कहें कि नहीं कहें कि चीनी प्रोडक्ट्स को यूज करो कि नहीं करो। हम जब तक सोच रहे हैं आप खुद ही मन बना लीजिए ना, मत कीजिए ना इनके प्रोडक्ट को यूज। ये बार बार भारत में घुसते हैं, गांव बसा रहे हैं, अलग अलग किस्म की खबरें आ रही हैं, मत करो ना यार इनकी चीज़ों को इस्तेमाल, क्या चल जाएगा तुम्हारा, क्या चल जाएगा। थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में तुम चीनी प्रोडक्ट यूज़ करते हो और ये हमारी सेना वालों को पीटते हैं, मारते हैं और हमारी जगह को कब्जाते हैं, अच्छा लगता है आप सबको, मत करो ना यूज़ इनकी चीज़ों को यार, समझो थोड़ा बात को। और ये संदेश थोड़ा फैलाओ फैलाओ, शेयर करो वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।